गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन के अपन अंदर क्या पढ़ते हैं? जो अपना यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किसका? अपनी बॉडी का। इसका मीन्स क्या है कि जो अपना यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो एक एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका क्या है? अपना पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, द यूरिनरी सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन। मीन्स कि अपना यूरिनरी सिस्टम है वो किस चीज़ को रेफर करता है? स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, यानी कि जहाँ से प्रोड्यूस होता है कंडक्ट यूरिन की बनता कैसे है, ठीक है, और उस पॉइंट से लेके जो अपना एक्सक्रीशन का जो पॉइंट है वहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है, यानी कि अपनी यूरिन प्रोडक्शन से लेके और एक्सक्रीशन की तक की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी अपन किस चीज़ में पढ़ते हैं? यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, यूरिनरी सिस्टम जो अपना है उसके अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं? तो सबसे पहले अपनी होती हैं दो किडनी होती हैं। नेक्स्ट अपनी दो यूरेटर पाए जाते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक होती है अपनी यूरिथ्रा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी की। किडनी कितनी होती है? अपनी बॉडी के अंदर दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में प्रेजेंट होती है। दो यूरेटर होते हैं, दो यूरेटर जो हैं वो क्या करते हैं? किडनी से जो अपना यूरिन बना, यानी कि किडनी ने फिल्टर करने के बाद रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद जो अपना वेस्ट मटेरियल जो बचा उसके थ्रू क्या होंगे? यूरेटर से वो चीज़ कहाँ पे आएगी? अपनी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है? ये एक स्टोरेज करने का जगह है जहाँ पे अपना यूरिन जो है क्या होता है? स्टोर होता है। और यूरिथ्रा के थ्रू क्या है? वो बाहर निकल जाता है। तो अपना जो है यूरिनरी सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दो अपनी किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है। सेकेंड अपनी यूरेटर है, यूरेटर भी पेयर के रूप में पाए जाते हैं, एक लेफ्ट किडनी से आता है, एक अपनी राइट किडनी से आता है। नेक्स्ट अपना क्या है? ब्लैडर, जहाँ पे दोनों यूरेटर आके क्या है? कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो अपना है वो क्या है? यूरिथ्रा, जहाँ से जो यूरेटर ने जो काम किया अपना जो कंटेंट था वो लाके कहाँ पे छोड़ेगा? ब्लैडर के अंदर छोड़ देगा। और ब्लैडर के अंदर छोड़ने के बाद क्या होगा? ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है? एक वाइटल पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो क्या है? एक वाइटल रोल प्ले करता है। किसके अंदर? होम्योस्टेसिस के अंदर। तो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है वो कहाँ से मेंटेन होता है? अपनी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, द किडनी प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेंट मेटाबॉलिक वेस्ट। किडनी क्या करती है? यूरिन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। उसके अंदर कौन से कंटेंट होते हैं? अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कौन से होते हैं वो? तो जो अपनी यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, ये सारी के सारे क्या होते हैं? अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। इनके अंदर क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड भी, जो अपन यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी के सारे क्या है? मिले हुए रहते हैं। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या है? रीअब्जॉर्ब नहीं होती, वो सारी की सारी क्या है? अपनी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि अपनी किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो किडनी है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? किडनी का सबसे पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द यूरिन। सबसे पहले क्या कौन सा फंक्शन है? फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द यूरिन। तो अगर अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की, तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कितने प्रोसेस के अंदर जाके कंप्लीट होती है? अपनी तीन प्रोसेस के अंदर जाके यूरिन की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले इस प्रोसेस अपनी कौन सी आती है? सबसे पहले अपनी प्रोसेस आती है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा अपना, कि अपनी बॉडी के अंदर जो रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड आता है उसको क्या करते हैं? वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वो क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद सेकंड क्या होगा?
रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि अपनी जो किडनी है वो पर डे अप्रोक्सीमेट 180 लीटर क्या करती है, प्रोडक्ट को फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद 98% जो अपना मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान जो अपना वेस्ट जो बचा, फिल्टर होने के बाद जो मटेरियल बचा उसको क्या करती है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद 1 से 1.5 लीटर जो अपना कंटेंट बचा वो अपना क्या है, सीक्रेट हो जाता है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट आता है अपना हार्मोन। कौन से हार्मोन को किडनी कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, अपने प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन। जो किडनी क्या करेगी, अपना जो इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन है उसको क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। प्रोडक्शन भी वही करती है और उसको सीक्रेट भी वही करती है। और ये हार्मोन क्या काम करता है, ये जो हार्मोन होता है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपना कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो अपनी जो आरबीसी बनने की जो रेट है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन हार्मोन। ठीक है, तो रेनिन हार्मोन क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। उसी के थ्रू क्या होता है, अपना बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन होता है। ठीक है, और अपना जो स्टोर यूरिन है उसको क्या करता है, बाहर निकल जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं किडनी की एनाटॉमी की। तो किडनी अपन ने पहले पढ़ी थी, किडनी की मैंने आपको पहले ही बताई थी, किडनी कितनी होती है, अपनी दो होती है, एक राइट किडनी होती है एक लेफ्ट किडनी होती है। जो आपकी राइट किडनी है उसके अंदर अपन बात करें तो रीनल आर्टरी है ये इसका ड्यूडिनम पार्ट है, ये लीवर है, ये हेपेटिक फ्लेक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर अपन लेफ्ट किडनी की बात करें तो स्टमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, जेजुनम है, स्प्लेनिक फ्रैक्चर है, फ्लेक्चर है, और अपने यूरेटर है, और इधर यूरिनरी ब्लेडर है और आयोटा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आएगा, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, यानी कि किडनी के साथ अपनी बॉडी के कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। तो अपनी किडनी कितनी है, दो किडनी है, लेफ्ट किडनी है और राइट किडनी है। किडनी के एनाटॉमी के अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, किडनी जो है कहाँ पे लाइज होती है, किडनी अपनी रहती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास में, अपनी क्या है किडनी सिचुएटेड रहती है। ईच किडनी जो है उसके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कोलम होता है। ठीक है, किसके पीछे की तरफ होती है, पेरिटोनियम कैविटी के पीछे की तरफ होती है, और अपना डायफ्राम उससे बिलो साइड में रहती है। 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है और 3 नंबर की लंबर वर्टिब्रा तक ये जाती है। और अपना जो लोअर रिब्स कैप जो है उससे क्या है, ये प्रोटेक्शन इसको मिलती है जिससे कि कोई ना कोई भी इसको इंजरी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किडनी जो है वो किस शेप की होती है, अपनी बीन शेप ऑर्गन होता है। इसकी जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर यानी कि 11 सेंटीमीटर लंबी इसकी क्या है, लेंथ होती है। चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और 150 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है। तो जो अपनी किडनी है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो अपना जो किडनी है वो कहाँ पे मिली अपने को, अपना जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां पे क्या है, अपनी किडनी सिचुएटेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है। तो किडनी अपनी 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3 नंबर की जो लंबर वर्टिब्रा है वहां तक क्या है, अपनी किडनी प्रेजेंट रहती है। और प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है इसको, जो अपना लोअर रिब केज जो है वहां से क्या होगा, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा यानी कि वो इनकी सुरक्षा करता है। और जो अपनी राइट किडनी है वो क्या होती है, यूजली स्लाइटली लोअर यानी कि हल्की सी नीचे की तरफ होती है देन द लेफ्ट। यानी कि दोनों किडनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट किडनी जो है वो क्या होती है, लोअर होती है किससे, देन द लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। तो अपनी किडनी के साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। तो अपनी दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड की है तो उसके साथ अपने लेफ्ट साइड के ऑर्गन रहेंगे, और राइट साइड के उसके साथ अपने राइट साइड के ऑर्गन रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है अपना सुपीरियरली। उप सुपीरियरली में जो है वो कौन से ऑर्गन रहते हैं, राइट किडनी के रहेगा राइट एड्रेनल ग्लैंड, एंटीरियरली में रहेगा उसके राइट लोब ऑफ द लीवर, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्चर एंड कोलन। नेक्स्ट अपना आता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में कौन सी चीजें रहेंगी उसके, राइट
डायफ्राम, मसल्स एंड पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, ये क्या है, इसके पोस्टीरियर भाग में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अपनी आती है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी आती है तो सुपीरियर के अंदर क्या रहेगा, वहां पे लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली क्या होता है, वहां पे स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रिया, जेजुनम एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन। एंटीरियरली में क्या क्या मिलेगा अपने को, वहां पे अपने को स्प्लीन मिलेगी, स्टमक मिलेगा, पैनक्रियाज मिलेगी, जेजुनम मिलेगा, स्प्लेनिक फ्लेक्चर मिलेगा, ठीक है। ये अपने को कहाँ पे मिलेंगे, लेफ्ट किडनी के एंटीरियर भाग के अंदर अपने को ये चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में क्या मिलेगा आपको, डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। तो जो अपने डायफ्राम है वो कहाँ पे रहता है, किडनी के पोस्टीरियर भाग में रहता है, ठीक है। और अब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं वो भी अपनी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर भाग के अंदर रहती हैं। तो ये क्या है, अपनी दो किडनी है, ठीक है। इन दोनों की क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है, एक स्लाइटली लोअर होती है, एक स्लाइटली, यानी कि दोनों एक दूसरे से, एक जो है वो लोअर साइड में रहती है, एक उसकी अपर साइड में रहती है। राइट किडनी जो है उसका सुपीरियर भाग है, उसमें क्या रहेगा आपकी, राइट एड्रेनल ग्लैंड पाई जाएगी। एंटीरियर भाग में क्या मिलेगा आपको, राइट लोब ऑफ द लीवर, ड्यूडिनम एंड हेपेटिक फ्लेक्चर, ये कहाँ पे मिलेंगे अपने को, एंटीरियर भाग में। पोस्टीरियर भाग की अगर अपन बात करते हैं तो पोस्टीरियर भाग में क्या मिलेगा अपने को, डायफ्राम मिलेगा, मसल्स मिलेंगी और पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल मिलेगा। नेक्स्ट अपना आता है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी में अपने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सुपीरियरली में अपने को मिलेगी लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड, एंटीरियर में अपने को मिलेगी स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रिया, जेजुनम एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ये अपने को कहाँ पे मिलेगी, एंटीरियर भाग में मिलेगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में अपने को क्या चीज़ें मिलेंगी, डायफ्राम मिलेगा, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे अपने को, लेफ्ट एंड राइट किडनी के पोस्टीरियर भाग में वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट अपने आती है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो जो किडनी है उसको अपन क्या है, नेक्स्ट आई से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन किडनी को नहीं देख सकते, अगर अपन किडनी को देखना चाहें तो अपनी विजुलाइज जो अपनी नॉर्मल आइज हैं उनसे अपन देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, तीन एरियाज के अंदर अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला अपना पॉइंट आता है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द किडनी, किडनी के चारों तरफ जो अपना क्या प्रेजेंट रहता है, फाइब्रस कैप्सूल जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सराउंडिंग द किडनी, किडनी के चारों तरफ, ठीक है, क्या मिलेगा, फाइब्रस कैप्सूल मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपने कोर्टेक्स। तो अपनी किडनी जो है, किडनी के अंदर जो रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, अपनी कोर्टेक्स पार्ट होता है। और जो मेडुला है, मेडुला क्या होती है, अपनी जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, अपनी मेडुला होती है।